हेलो फ्रेंड्स, रेनू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मिक्स दाल की सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो हमें यहाँ चाहिए चना दाल, लाहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल और मूँग दाल। इन सब दालों को एक बड़ा सा बर्तन में डाल लें। यहाँ मैं 2 चम्मच चना दाल ले रही हूँ, 2 चम्मच मूँग दाल, 2 चम्मच मसूर दाल, 2 चम्मच उड़द दाल और 2 चम्मच लाहर दाल। अब इसे वॉश करके अच्छे से और 3 से 4 घंटा के लिए छोड़ दें। 3 से 4 घंटा हो गया है। अब इसे मिक्सी के जार में निकाल के हमें इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। इसका जो है बहुत ज़्यादा पानी डाल के आप नहीं पीसें। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्च। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हो तो मिर्ची स्किप कर सकते हो। ये देखिए हमारा फाइन पेस्ट रेडी है, बर्तन में निकाल लें। थोड़ा सा नमक डालें और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि ग्रेवी में भी नमक होगा। अब इसे हमें अच्छे से फेंटना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इसी तरह से हमें चाहिए। और हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये अच्छे से हल्का ना हो जाए। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे पता चलेगा कि हल्का हो गया है, तो आप क्या करें, आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लें, उसके बाद इस बैटर को थोड़ा सा डालें। जब वो ऊपर आ जाएगा तो समझिए फेट चुका है। किसी भी बर्तन में आप जिस भी चीज़ में बनाते हों उसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लें, फिर बैटर डालें। एक बड़ा बर्तन या फिर कढ़ाई में पानी डालें, स्टैंड लगाएं या फिर प्लेट या कटोरी भी पलट सकते हो उसमें, और 15 मिनट के लिए स्टीम देना है। 15 मिनट हो चुका है, अब इसे चेक कर लें। देखिए नाइफ क्लीन आ रहा है, ये हो चुका है। अब इसे निकाल कर ठंडा कर लेना हमें। ये देखिए हमारा जो है ये बैटर ठंडा हो गया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी की खासियत यह है कि आप इसे एज ए स्नैक्स भी खा सकते हो, प्याज का ग्रेवी भी बना सकते हो या फिर सिर्फ टमाटर दही का भी ग्रेवी बना के खा सकते हो जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आप देख पा रहे होंगे, हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। एक कढ़ाई लें, उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड। रिफाइंड की जगह में आप बढ़िया घी भी डाल सकते हो। इसके बाद 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा हींग, 2 प्याज बारीक कट किया हुआ। प्याज को हमें कलर आने तक फ्राई करना है, गोल्डन कलर आने तक। जब तक प्याज में कलर आ रहा है मैं टमाटर पीस लेती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 6 से 7 कली लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक और 3 टमाटर। अगर आपको खट्टा कम पसंद हो तो टमाटर का क्वांटिटी कम कर सकते हो, और 2 हरी मिर्च। अगर तीखा कम खाते हो तो मिर्ची भी आप स्किप कर सकते हो। ये देखिए टमाटर हमारा पीस चुका है, प्याज में भी कला गया है थोड़ा। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटर जो मैं पीसी थी उसे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए टमाटर जो है ऑयल छोड़ने लग गया है। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सबको 1 मिनट और हमें फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स ऑयल भी साइड से छोड़ने लग गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच दही, ये फ्रेश दही है, और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। देखिए अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद 1 गिलास पानी डालें, गर्म पानी डालें आप, ग्रेवी अच्छा बनता है। अब इसे बॉयल आने दें। ये देखिए बॉयल आ गया है। इसके बाद जो हमने फ्राई करके रखा था दाल वाला, उसे मैं डाल दूँगी। दाल का जो पीसेस है उसे डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है।
सिर्फ एक उबाल ही देना है हमें। मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया। ये हो चुका है, अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं निकाल ली हूँ। इसके ऊपर से आप चाहे तो बढ़िया घी भी डाल सकते हो, ये बहुत बढ़िया लगता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। ये रोटी या फिर चावल के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में आप बना सकते हो इसे, ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी मैं लेकर के आप लोगों के लिए आती रहूँगी।